नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। त्रिपुरा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ माणिक साहा को आज सवेरे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कश्मीर घाटी के चार स्थानों पर छापे मारे आतंकी गुट टीआरएफ के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नेता को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से फिर संचालन शुरू करेगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी से 10 लोगों की मौत। उत्तर भारत में तेज गर्मी का प्रकोप, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू और मनीषा इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रन से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ माणिक साहा को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने कल पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद डॉ माणिक साहा कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। उन्होंने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 69 वर्षीय माणिक साहा को अगले 6 महीने के अंदर राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा। वर्ष 2021 में उन्हें त्रिपुरा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरा में अगले वर्ष जनवरी फरवरी के दौरान विधानसभा चुनाव होना है। त्यागपत्र देने के बाद बिप्लव देव ने कहा कि पार्टी के हित में और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। 2018 में विधानसभा चुनाव में 25 वर्ष से सत्तारूढ़ वाम मोर्चे को हराने के बाद भाजपा आईपीएफटी गठबंधन सत्ता में आया था और 9 मार्च 2018 को बिप्लव देव को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई संकेत नहीं दिया। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 2 वर्षों के लिए पार्टी से उनके निलंबन और सभी पदों से हटाने की सिफारिश की थी। श्री जाखड़ का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी को व्यवस्थित रखने के लिए राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया है। श्री जाखड़ ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों द्वारा 50 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा के बावजूद पार्टी की अनुशासनात्मक समिति से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने पर उन्हें गहरा दुख हुआ है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कश्मीर घाटी के 4 स्थलों बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ मामले में छापे मारे हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा और इसके स्वघोषित कमांडर सज्जाद गुल के टीआरएफ गुट पर जम्मू कश्मीर और देश के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को उकसाने और गुट में भर्ती करने का आरोप है। सज्जाद गुल और पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के अन्य आतंकी निर्धारित लक्ष्यों और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए आतंकवादियों को हथियारों और विस्फोटकों की भी आपूर्ति कर रहे थे। छापों के दौरान डिजिटल उपकरण, आपत्तिजनक सामग्री, जिहादी पर्चे और पोस्टर जब्त किए गए हैं। इन छापों के आधार पर ही टीआरएफ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना के पृथक राज्य बनने के लगभग 8 वर्ष बाद भी इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि राज्य का गठन मुख्य रूप से जल की साझेदारी, निधि और भर्ती को लेकर हुआ था, लेकिन ये सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंची हैं और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जो आश्वासन दिए थे उन्हें भी अभी तक पूरा नहीं कर पाई है।
श्री अमित शाह कल हैदराबाद के पास टुक्कुगुड़ा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी संजय कुमार की दूसरे चरण की प्रजा संग्राम यात्रा संपन्न होने पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपने वादा किया था हर बेरोजगार को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। आपने कहा था किसानों का कर्ज 1 लाख रुपए तक माफ करेंगे। कोई किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, कुछ नहीं बना है। आपने वादा किया था 2 बेडरूम का हाउस देंगे। अरे 2 बेडरूम छोड़ो, प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना को भी आप जमीन पर नहीं उतार पाए हो। आपने कहा था दलित भाइयों के लिए 50,000 करोड़ का बजट देंगे। चंद्रशेखर राव जी, कहाँ है वो बजट? आज मेरे तेलंगाना के दलित भाई आपके वादे के लिए पूछ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार ये कहकर जनता को गुमराह कर रही है कि केंद्र राज्य को धनराशि नहीं दे रहा है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र ने कई कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत तेलंगाना को 2,52,000 करोड़ से अधिक रुपए दिए हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमारात का राष्ट्रपति चुना गया है। एक दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया था। शेख मोहम्मद का चुनाव फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने किया। शेख मोहम्मद ने फेडरल सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की। इस परिषद में संयुक्त अरब अमारात के 7 अमारातों के शासक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को नया राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में विश्वास व्यक्त किया है कि शेख मोहम्मद के कुशल नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमारात की व्यापक कार्यनीति साझेदारी और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा। टीवी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संयुक्त अरब अमारात के पूर्व राष्ट्रपति और अबुधाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने आज संयुक्त अरब अमारात जा रहे हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का शुक्रवार को निधन हो गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के नेतृत्व में भारत और संयुक्त अरब अमारात के परस्पर हितों की दृष्टि से काफी सफल रहे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश अपने ऐतिहासिक और कार्यनीतिक संबंधों को और आगे ले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। त्रिपुरा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ माणिक साह को आज सवेरे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कश्मीर घाटी के 4 स्थानों पर छापे मारे। आतंकी गुट टीआरएफ के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नेता को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से फिर संचालन शुरू करेगा। अमरीका में न्यूयॉर्क में बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी से 10 लोगों की मौत। उत्तर भारत में तेज गर्मी का प्रकोप, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा।
भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू और मनीषा इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से कामकाज फिर शुरू करेगा। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद भारतीय दूतावास इस वर्ष 13 मार्च से अस्थायी रूप से पोलैंड की राजधानी वार्सा में काम कर रहा है। रूस ने फिनलैंड को बिजली की आपूर्ति रोक दी है। रूस की सबसे बड़ी बिजली कंपनी आरएओ नॉर्डिक ने कहा है कि फिनलैंड से अब तक बिजली आपूर्ति का भुगतान न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। आरएओ नॉर्डिक कंपनी पिछले कई वर्षों से फिनलैंड के लिए रूस से बिजली का आयात कर रही है। कंपनी ने कहा है कि यह स्थिति असाधारण है और कारोबार के 20 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अमरीका में कल रात न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में एक किराना स्टोर में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। खबरों के अनुसार बंदूकधारी सेना की बख्तरबंद वर्दी पहने हुए था और उसने राइफल से गोलीबारी की। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई इस गोलीकांड की घृणा अपराध और नस्ल प्रेरित हिंसक उग्रवाद दोनों कोणों से जांच कर रहा है। जांचकर्ताओं ने उससे पूछताछ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और अभी यह कठिन दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनके परिणाम अब दिखने लगे हैं। लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण का काम आज भी जारी रहेगा। कल कड़ी सुरक्षा के बीच वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम दोबारा शुरू हुआ। न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्तों के नेतृत्व में 35 कर्मियों के एक दल ने मस्जिद में सर्वेक्षण का काम किया। अदालत ने वाराणसी जिला प्रशासन को सर्वेक्षण का काम 17 मई तक पूरा करके रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने मुंडका आग की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल घटनास्थल का दौरा करने के बाद ये घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपये अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच दिल्ली के नरेला इलाके में कल रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निशमन विभाग ने बताया है कि 12 दमकल गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर भेजी गई। हादसे में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आगामी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। वे कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से वर्चुअल रूप से आयोजित योग महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में 25,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब तक लगभग 25,000 से ज्यादा कार्यक्रम अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग लोगों ने किए। ये कार्यक्रम एक जागरूकता के लिए किया गया है आज कि 21 जून के लिए हमने अपना समय आज से ही तय कर देना, अपना स्थान आज से ही तय कर देना। हमें खुद भी योगा करनी है और अगले कुछ दिनों तक 14 मई से लेकर 21 जून तक हमें इसको हर गांव, हर तहसील, हर पंचायत, हर जगह तक पहुंचाने का प्रयास करना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में राज्य मार्गों पर 700 करोड़ रुपए की लागत से ओवर ब्रिज बनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए बाईपास सड़कों और 25,000 करोड़ रुपए राज्य में 17 नए पुलों के निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं।
भोजपुर में सोन नदी पर 6 लेन के कोइलवर पुल के शेष 3 लेन का नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि पुराने कोइलवर पुल के समानांतर 1528 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े पुल के बन जाने से पटना और दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आवागमन में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में स्वीकृत परियोजनाएं 2022 से 2024 तक पूरी कर ली जाएंगी। समूचा उत्तर भारत तेज गर्मी की चपेट में है। कल कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। धौलपुर में कल तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कल कई स्थानों पर तेज वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल के अर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। केरल के दक्षिणी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और लू जारी रहेगी। ये जो टेम्परेचर ऐसे जारी रहेगा अगले 2 दिन के लिए, इसके साथ साथ जो विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र के, वहाँ हीट वेव कंडीशन रहेगा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट यूपी और हरियाणा में सीवियर हीट वेव कंडीशन रहने का उम्मीद है। इसलिए हम लोग ऑरेंज और रेड कलर वार्निंग जारी किए हैं। 15 नाइट से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करने का पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव में जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है वहां बारिश या थंडरस्टॉर्म होने का चेतावनी भी दिया गया है और इसके प्रभाव में ये टेम्परेचर जो अभी मोर देन नॉर्मल है, लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, उसमें गिरावट होगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं दीपिका शर्मा। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत का मुकाबला 14 बार के विजेता इंडोनेशिया से होगा। मैच सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप चरण में इंडोनेशिया अजय रहा है, जबकि भारत को केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। नॉकआउट चरण में जहां इंडोनेशिया ने चीन और जापान को हराया, वहीं भारत 5 बार के पूर्व चैंपियन मलेशिया और 2016 के विजेता डेनमार्क को हरा चुका है। वहीं भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू और मनीषा इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। 2 बार की पूर्व युवा विश्व चैंपियन नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्पेन की मार्ता लोपेज डेल अरबोल को 5-0 से हराया। मनीषा ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में बुल्गारिया की स्वितलाना स्तानेवा पर 4-1 से जीत हासिल की। आज निखत सहित 6 भारतीय मुक्केबाज अपने अपने मुकाबले खेलेंगी। अब बात करें आईपीएल की, तो कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 8 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस से दोपहर 3:30 बजे होगा, जबकि शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। हम प्रतिदिन आकाशवाणी से आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 15 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को सौंपी गई। मिर्जा मुगल बहादुर शाह जफर के पुत्र थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। 15 मई 1857 को लाल किले में दरबार लगा और बहादुर शाह जफर ने फौज के नए अधिकारी नियुक्त किए।
इस सेना की सुप्रीम कमांड मिर्जा मुगल को दी गई। उन्हें कमांडर इन चीफ बहादुर का खिताब दिया गया। मिर्जा को साहिब आलम की मानद पदवी भी प्रदान की गई। कमांडर इन चीफ के तौर पर मिर्जा मुगल ने नागरिक और सैन्य विभागों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने एक तरफ तो योद्धाओं के साथ संपर्क कायम किया और दूसरी तरफ व्यापारियों और स्थानीय प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा। मिर्जा मुगल ने सैन्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली पर फिर से कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने 22 सितंबर 1857 को मिर्जा मुगल को बंदी बना लिया। अंग्रेज उन्हें खूनी दरवाजे के पास ले गए और उन्हें कपड़े उतारने को कहा। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई और उनका पार्थिव शरीर कोतवाली ले जाया गया। दफनाने से पहले मिर्जा मुगल का पार्थिव शरीर कोतवाली की इमारत के बाहर रखा गया। आज हम अमर बलिदानी हरपाल सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने विद्रोही सैनिकों से हाथ मिला लिया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा की। वे कई स्थानों पर अंग्रेजों से लड़े, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ ही लिया। उन पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 7 वर्ष के लिए काला पानी का कठोर कारावास दे दिया गया। जेल में शारीरिक यातना के कारण 15 मई 1800 आज अमर बलिदानी सुखदेव थापर को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना में हुआ। सुखदेव थापर ने उन अत्याचारों को करीब से देखा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के लोगों पर किए गए। इससे व्यथित होकर सुखदेव क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानियों में शामिल हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर सुखदेव थापर और युवाओं को भारत के गौरवमयी अतीत के बारे में अत्यधिक प्रेरित किया। अन्य जाने माने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सुखदेव ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। सुखदेव थापर को लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए खास तौर पर याद किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सर्वाधिक प्रेरक हस्तियों में शामिल हैं, जिन्हें पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला गांव में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सुखदेव ने अपने देश के लिए जब सर्वोच्च बलिदान दिया, तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। आकाशवाणी की ओर से अमर बलिदानी को भावभीनी। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
और ये सूचना आपके लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने दिल्ली के मुंडका अग्निकांड में मृतकों की शिनाख्त में देरी और पूरे हादसे के बारे में बेहद भावुक करती खबरें सुर्खियों में दी हैं। अमर उजाला के शब्द हैं, अपनों की तलाश में पथरा गई आंखें। जनसत्ता ने लिखा है, लापता 29 लोगों में 24 महिलाएं। कोरोना महामारी के बाद परिवार संभालने के लिए काम शुरू किया था। नवभारत टाइम्स खबर के साथ लिखता है, एक ही मंजिल पर 150 से 200 लोग मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम के लिए इकट्ठा थे। गेहूं के निर्यात पर रोक की खबर लगभग सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। लोकसत्ता ने लिखा है, सरकार का बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने का उपाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, भारत सरकार द्वारा अन्य देशों की सरकारों द्वारा अनुरोध पर उनकी खाद्य सुरक्षा की अनुमति पर होगा निर्यात। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण का काम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू होने और शांतिपूर्ण तरीके से चलने की खबर कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। हरिभूमि ने लिखा है, पहले दिन का सर्वेक्षण शांतिपूर्ण संपन्न, आज भी काम जारी रहेगा। राजस्थान पत्रिका ने कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की खबर के साथ लिखा है, संगठन मजबूत करने की कवायद। उधर अमर उजाला लिखता है, कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को कहा अलविदा, दिया इस्तीफा। हिन्दुस्तान ने गर्मी का सितम शीर्षक से लिखा है, उत्तर भारत उबला, दिल्ली में पारा 47 के पार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी गर्म हवाएं। पत्र ने दिल्ली के मंडी हाउस मार्ग के चित्र के साथ लिखा है, तेज गर्मी के कारण सड़क पर बना स्पीड ब्रेकर पिघला और सफेद पट्टी दूर तक फैल गई। कुछ अखबारों ने गर्मी के सितम के बीच यातायात पुलिस की लगातार सड़कों पर तैनाती पर ध्यान खींचा है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, दिल्ली की सड़कों पर अब बस दौड़ाएंगी महिला शक्ति। बदलाव की बयार ने भारी वाहन चलाने के लिए महिलाएं ट्रेनिंग के दौर में। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष आलेख में एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए लिखा है, लोगों ने कहा मोबाइल ने परिवार में दूरियां बढ़ाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिपुरा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा को आज सवेरे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कश्मीर घाटी के 4 स्थानों पर छापे मारे, आतंकी गुट TRS के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमारात के राष्ट्रपति चुने गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नेता को शुभकामनाएं दी। यूक्रेन में कीव में भारतीय दूतावास 17 मई से फिर कामकाज शुरू कर देगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क के बफेलो सुपरमार्केट में गोलीबारी से 10 लोगों की मौत। उत्तर भारत में तेज गर्मी का प्रकोप, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भारी बारिश। बैंकॉक में थॉमस कप बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत का मुकाबला इंडोनेशिया से होगा। भारतीय महिला मुक्केबाज नीतू और मनीषा इस्तांबुल में IBA महिला विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 54 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।